जोन होती सीता सुतिपाई मधुबन के फल सकई के खाई विचार कर राजा आई कहे कभी सहित समाजा आई सबन मावा पद सीसा मिलो सबन अति प्रेम कपीसा पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भाका जो विशेषी नाथ काज की नहीं हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा सुन सोनी मुहुर ते मिले कपिन सहित रघुपति पही चले राम कपिन जब आवत देखा किए काज मन हर्ष विशेषा पटिल जिला बैठे दो भाई परे प्रीति सहित सब भेजे रामा रघुपति करना पुंसिया रामा पूछी कुशल नाथ अब रामा कुशल देख पद गज सिया रामा जामवंत कह सुन रघुराया जा पर नाथ करूं तुम दाया ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर जय विनय गुण सागर तासु सुजस त्रैलोक उजागर प्रभु की कृपा भयो सब काजु जन्म हमार सुफल भाजो नाथ वंशत किन्नी जो करनी सहे सहे मुख न जाई सो बरनी पवन तने के चरित सुहाए जाम वंत रघुपति सुनाए सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुल हनुमान हर्ष हे लाए अहो तात के ही भात जानकी रहत करत रक्षा सुप्राण की सीता राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ। हनुमान जी ने जो जो दशा माँ की सब राम जी के सामने वर्णन की, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान निश्चरों की नगरी में सीता कैसे रहती है, कहो तात के भांति जात की रहती करती रक्षा सर्पान की अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके नाम का सहारा है, आम का नाम उनकी जिह्वा पर हर क्षण है, वो चरणों में ध्यान लगाकर आपके नाम का स्मरण करती है कि नाम पाहरो दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जागी प्राण के ही बाण। कैसे प्राण निकल सकते हैं, माँ की जीवा पर तो राम नाम लिखा हुआ है, जप रही है। आइए इस प्रसंग की ओर चलें। ये दो पद जो विरह के हैं, जिसमें हनुमान जी ने सीता जी की विरह वेदना का प्रभु श्री राम जी के सामने वर्णन किया। आइए अजहूना है सब मेरे साथ गाएंगे, विरह का पद है। अजहूना राम जी अजहुन आए राम जी सावन भी तो जाए हाय राम सावन भी तो जाए। राम जी नहीं आए, बार बार माँ आपका स्मरण करती है। ऐसा कौन सा अपराध था, मैं मन से वचन से कर्म से राम जी के चरणों की अनुगा थी। हनुमान एक अवगुण मेरा अवश्य है, राम जी से जाकर कहना कि राम जी से बिछड़ते मेरे प्राण क्यों न चले गए। बड़ा सुंदर प्रसंग, आइए हम सब मिलकर गाएं कि अजहुना राम जी सावन भी तो जाए हाय राम सावन भी Thank you.
राम जी ने पूछा, हनुमान जैसे मैंने तुम्हें सीता को देने के लिए मुद्रा का निशानी दी थी, सीता ने मेरे लिए कुछ भेजा है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या भेजा है? चलत मोही चूड़ामणि दिल रघुपति हृदय लाई सोई लिंधी लोचन भरी बारी वचन कहे कछु जनक कुमारी अनुज समेत रहूं प्रभु चरना दीन बंधु प्रणता रति हरना मन क्रम वचन चरण अनुरागी कहीं अपराध नाथ हो त्यागी अवगुण एक मोर मैं माना बिचुरत प्राणन के न पयाना नाथ सुनए को अपराधा निसरत प्राण करही हठी बाधा बिरही अगन तनु तुल समीरा श्वास जनई छन माही सरीरा नयन स्रवहि जलु निज हित लागी जर न पाऊ देह बिरहागी सीता के अति विपत्ति विशाला विनय कहे बलि दीन दयाला श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। ऐसा प्रसंग है कि हाथ के रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए, आंखों से अश्रु की धारा बहना चाहिए। सब मेरे साथ मिलकर गाएं, अजहू न राम। आपको गाना है, मतलब आप किताब खोल के बैठे हैं सिर्फ। अजहू न गाओ, अजहू न थाली में ध्यान देता अपना, कब थाली मिले कब ऊपर जाना है। अजहू सावन बीतो जाए हर राम सावन बीतो जाए निमिष निमिष करुणा निधि राम चाहि कलप सम बीत सिया रामा चलिए प्रभु आनिय रामा भुज बल खल दल हनुमान जी के मुख से सीता जी की विरह वेदना सुनकर प्रभु श्री राम की आंखों में अश्रु आ गए। पहली बार मानस में राम जी रोए। सुन सीता दुख प्रभु सुख आयाना भरी आए जल राजीव नयना वचन काय मन मम गति जाई
सपने बूझिया परिपति की ताही कहा हनुमान कपिपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई केतिक बार प्रभु जातु धान की रिपुहि जीतियाने भी जान की सुन कपि तो ही समान उपकार नहीं कोई सुर नर मुनि तन धारी प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा सुन सुत तो ही उरल मैं नाही देखो करी विचार मन बाही पुण्य पुण्य कपहि चितव सुर त्राता लोचन नीर फुलक अति गाता श्री राम जय राम। अब जब तक आप नहीं गाओगे सब मैं नहीं गाऊंगा। गाओ श्री राम श्री राम। आवाज में ताकत होना चाहिए, इतने लोग बैठे हैं आवाज जरा सी। श्री राम जय। क्या बात है। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए अजहू नाए राम जी सावन भी तो जाए। हरे राम सावन भी तो आने भैया चाहिए। वन टू थ्री जी ने कहा हनुमान जो आज तुमने कार्य किया है प्रति उपकार तो मैं क्या करूं, पर हनुमान शास्त्र मुख से बड़ाई की जाए तो भी कम है। आज हनुमान में तेरा ऋणी हो गया, कैसे तेरा ऋण चुड़ा कर प्रति उपकार करूं का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा सुन सुत तो ही उरिन में नाही मैं इस ऋण से उबर नहीं पाऊंगा। हनुमान हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो आपकी कृपा ने किया है। और हनुमान जी चरणों में लौट गए, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम क्षमा करें ये आपकी कृपा ने किया है। सुनी प्रभु वचन बिलोक मुख गात हरषि हनुमन चरण परे प्रेमाकुल त्राही त्राही भगवन। प्रेम मगन हो गए हनुमान जी, राम जी के चरणों में लड़ गए और नाचने लगे तो राम राम सिया राम राम सिया राम जय हो।
छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान छम छम नाचे देखो वीर हनुमान कहते हैं लोग इन्हें हो कहते हैं लोग इन राम का दीवाना छम 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 राम राम सिया राम 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 सिया राम जय हो राम राम सिया राम 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 सिया राम बार बार प्रभु चाहे ही उछावा प्रेम बगन ते ही उच्छ बन भावा प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिरि सदा मगन गौरी सा सावधान मन करि पुनि शंकर लाग कहन कथा अति सुंदर कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कर कही परम कहूँ कपि रावण पालित लंका केहि विधि दयो दुर्ग अति बंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान बोला वचन विगत अभिमाना साखा मृत के बड़े मनसाई साखा ते साखा पर जाई नाग सिंधु हाटक पर जा रहा निश्चर गणपत विपिन उचारा राम जी ने कहा हनुमान तुम 100 योजन समुद्र पार कर गए तुमने अशोक वाटिका का ध्वंस कर दिया तुमने लंका का दहन कर दिया कैसे हनुमान जी ने कहा इसमें अभिमान की कोई बात नहीं प्रभु मैंने कुछ नहीं किया है ये आपकी कृपा ने किया है तो सो सब तब प्रतापी न गुराई नाथिन कछ मोरी प्रभुताई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय कहू प्रभु कुछ अगम नहीं रामा जा पर तुम अनुकूल सिया रामा तब प्रभाव बढ़ नाद भगति अति सुखी दायनी देहु कपा करी अन पाय प्रभु परम सरल भवानी उमा राम सुभाव जही जाना ताही भजन तजी भावन आना यह संवाद जासोर आवा रघुपति चरण भगत सोई पावा सुनी प्रभु वचन कहई कपि वृंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा प्रभु रघुपति कपि कहई बोलावा कहाँ चले कर करहु बनावा अब विलंब कई कारण कीजे तुरत कपि ने कहूँ आय सुदीजे बहुत दुख देख सुमन बहु बरसी नभते भवन चले सुर हरसी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम राम जी ने कहा अंगद हनुमान नल नील जामवन सभी धराइए हनुमान जी आप सीता जी का पता लगाकर आ गए हैं अब विलंब क्यों करते हो अब विलंब के ही कारण कीजिए तुरंत कभी न कहो आए सुधीजिए जाओ सभी दिशाओं में मुनादी कराओ कि जितने बानर भालू बरूद जो राम जी की सेना में जाना चाहते हो राम जी की सेना जाने के लिए तैयार है आ जाए हनुमान जी ने मुनादी कराई कि कपिपति बेगी बुलाए आए जूत अपजूत नाना परन अतुल बल बानर भालू बड़े बड़े वीर बड़े बड़े योद्धा बानर भालू अलग अलग रंग के राम जी की सेना में जाने के लिए तैयार हुए कितनी बड़ी सेना राम जी लेकर चले
आगे आया है प्रसंग की पदुम 18 जूतब बंदर। 18 पदम तो राम जी की सेना में सेनापति थे। अगर एक टुकड़ी में 1000 भी सैनिक हों तो कितनी बड़ी सेना लेकर राम जी चले। राम जी प्रत्यक्ष रूप से सबसे मिले। प्रभुपद पंक जनाब सीसा गर्जई भालू महाबल की सा देखी राम सकल कपि सेना। राम जी ने पूरी सेना को निहारा। चितई कृपा करी राजी लेना। वो सबके हृदय में राम जी ने दर्शन दिए। आइए इस प्रसंग की ओर चले। राम जी की बड़ी सेना लंका की ओर जाने के लिए तैयारी करने लगी। सीताराम जय जय सीताराम। राम जी की सेना का मूल मंत्र क्या था? हर हर महादेव। राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम गौपद पंकज नाम सीसा गर्जय भालु महाबल की सा देखी राम सकल कपि सेना चितय कृपा करी राज।